यहाँ पे ना और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए जो है ना हम कोई और बात नहीं कर रहे, और इनकी जो पिक्चर्स वगैरह ना, पिक्चर्स वगैरह नहीं, तस्वीरों को जो है ना कवर अप कर ही देंगे दोस्त। लग जाएगा मुझको। ये चेक करो भाई, मैं घर आया हूँ और मैंने दोस्त को कहा दोस्त मुझे जरा खाना तो बना दो। भाई ये वो दोस्त है जिसने मेरे साथ दगाबाजी की, खुद ड्यू बॉक्स थोड़ा सा तो दे दे दोस्त, ये देखो। Assalamualaikum, क्या हाल चाल है, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाउंडेशन। कैसे हो आप सब, सबको जुम्मा मुबारक। अभी जो है यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है, बल्कि यहाँ की ना लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ। भाई तैयार हो चुका हूँ और कैजुअल शर्ट पहनी है, थोड़ी सी ना फॉर्मल दिखने के लिए, और कॉटन की पैंट पहनी हुई है। आज प्रेजेंटेशन है मगर सर ने कोई ड्रेस कोड वगैरह नहीं रखवाया हुआ था, तो मैंने कहा ऐसे ही जो है ना तैयार होके निकल जाएंगे। और 10:30 है, हो चुके हैं, 11 बजे क्लास है, अभी तक घर में ही हूँ, मगर मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पे, मुझे पता है 20-21 मिनट लगेंगे। और दोस्त आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत सही हुई, वरना कल के व्लॉग में तो आपकी तबीयत ख़राब थी। मुझे लगता है आप भी सोलर से जो है ना चार्ज होती हैं, सोलर के प्लेटें जो है गंदी हो तो आपकी बैटरी डाउन रहती है, ऐसा है दोस्त कुछ? दोस्त फिर ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई तैयारी कर दें, तैयारी कर दें, अल्लाह ताला के सपोर्ट तो हमेशा से ही होते हैं दोस्त। फिर हम जो है अभी निकलते हैं, और वहाँ पे भी एक काम चल रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो है ना ज़रा काम वगैरह चलना शुरू हुआ, आप करें करें। तो अभी जो है ना इसको पॉलिश वगैरह करवाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अनटाइडी था और ये स्ट्रिप ज़रा लगनी इंपॉर्टेंट थी, तो ये लगवा के जो है ना अब इसका कलर और दरवाजे का कलर और स्ट्रिप का कलर जो है ना वो सेम हो ही जाएगा। तो आज जो है ना ये अंदर बाहर से दरवाज़ा पॉलिश हो जाएगा, क्योंकि आज मौसम भी जो है साफ़ है, धूप वगैरह निकली हुई है, तो कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी अगर होता भी तो शेड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, काम अपना जो है ना हो जाना था। अभी बस इसको रगड़ाई करके जो है ना इक्वल फिनिशिंग कर रहे हैं, ताकि ये जो है ना सरा बेहतर हो जाए। फिर हम यूनिवर्सिटी निकलते हैं, यूनिवर्सिटी जाके जो है ना बाकी देखते हैं। प्रेजेंटेशन भी है, मेकअप क्लास भी, आज कब फारिग होता हूँ मुझे खुद भी नहीं आइडिया। अभी जो है ना हम लोग आए हैं भाई फोक्स एंड नाइफ पे, तो अभी यहाँ पे ना और भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए जो है ना हम कोई और बात नहीं कर रहे, और इनकी जो पिक्चर्स वगैरह ना, पिक्चर्स वगैरह नहीं, तस्वीरों को जो है ना कवर अप कर ही देंगे, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। अभी बस हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया है। यहाँ पे बात ये थी कि यार मुझे ना समझ नहीं आती कि किस तरह रेस्टोरेंट्स वाले जो है डील्स वगैरह लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है डील एट मैंने कहा कर दो, मगर वो कहता है ये जो टेक अवे पे अवेलेबल है, डाइन इन पे नहीं अवेलेबल। अब मैंने डाइन इन पे फिर जो है ना ये 2 डील्स करवा के, और उनको जो है ना एक फोक्स एंड नाइफ स्पेशल कह दिया, और एक उनका चिकन, पता नहीं कौन सा चिकन जो भी था, अब वो आएगा तो पता लगेगा। खैर अभी ये जो है करते हैं, उसके बाद 5 बजे मेरी प्रेजेंटेशन भी है, प्रेजेंटेशन भी देनी है, और आता जाता अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ PPT स्लाइड्स मैंने तैयार की थी। उसके बाद जाके जो है ना घर निकलेंगे, पहले यहाँ से खाते पीते हैं फिर आगे देखते हैं। खाना आ चुका है, ये पता नहीं ये स्पेशल है या वो चिकन ट्यूलेक्स है, जो भी है बस अब खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, और भूख भी शदीद है, टाइम भी हो चुका है खाना खाने का। सोशियोलॉजी की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नंबर आए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। अभी 6:19 हो गए, मेकअप क्लास कल भी है, मगर कल आने का प्लान तो नहीं है, सर ने एक पे ऑल प्रेजेंट लगा के कर दी थी। वैसे तो 7 बजे तक क्लास थी, मगर अच्छा किया सर ने प्रेजेंटेशंस ली हैं, दूसरी क्लास में ऑल प्रेजेंट किया। और चल मेरे भाई ख़त्म, टाटा बाय बाय। अभी घर के लिए निकल रहे हैं, वैसे पानी भी भरवाना था, मगर 3 बोतलें हैं तो फ़ायदा कोई नहीं है, मैंने कहा मंडे को भरवा लेंगे, आना तो है ही, कल भी चक्कर लग सकता है। अभी बस निकलते हैं घर, घर जाके फिर देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया भाई, तो बाकी मौसम शुक्र है आज क्लियर ही है। ये चेक करो भाई, मैं घर आया हूँ और मैंने दोस्त को कहा दोस्त मुझे जरा खाना तो बना दो, दोस्त ने गुस्सा ऐसा किया है भाई, चीजें तोड़ दी, और यही अगर किसी और से टूटा होता ना तो मामा ने उसकी लाभ आगे हाथ में पकड़ा दी, हाय मेरी कांच की तुमने जो है प्याली तोड़ दी, मेरा सेट खराब कर दिया, क्या किया है ना दोस्त, ऐसी बात है ना। लग गई आपके पैर पे माँ, वैसे लगनी तो नहीं चाहिए, गिरी तो वो जमीन पे, शीशा उड़ा नहीं है, गिरी जमीन पे है तो मामा है तो नहीं आया, ऐसे गुस्सा नहीं किया करे, गलती आपकी है मेरी भी नहीं है, मैं तो था ही नहीं आगे, हाँ टूटना था टूट गया, गंद करो और करो गंद, मैंने इसको कॉर्नर पे कर दी है, सुबह ही सफाई होगी।
तो भाई ऐसा इंट्रो हुआ दोस्त के साथ। दोस्त और सुनाए, आप कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अभी तो आपने KFC खाने जाना था हा? वो प्लान है ना अभी भी दोस्त आपका? पता नहीं। नहीं यार दोस्त प्लीज, हम नहीं डांटते दोस्त आपको। मामा ये खुद करो, मेरे से नहीं होता ये शामी, इसमें से जितने भी आपने गरम कर प्लेट दे दो वहां से। किस चीज के लिए प्लेट चाहिए? शामी फ्राई करके रखने के लिए। ये ले मामा, मिल गई है। चलो अच्छी बात है यार, आलू सही कहते हो, मुझे भी नहीं अब समझ आती मामा बिला वजह गुस्सा क्यों करती है। बिल्कुल सही आप लोग कहते थे, मगर मैंने कहा नहीं ये बात तो नहीं है। मगर बात ऐसी है दोस्त, सलाम तो कर ले दोस्त, सलाम कर ले। बेशक मैं आपको KFC खिला दूंगा, सलाम तो कर ले दोस्त। ये देखो भाई बिला वजह एटीट्यूड, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड। बस मामा जल्दी जल्दी शामी फ्राई कर दें, भूख बड़ी लग रही है, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अभी तो मामा बाहर ही रहने देती यार, इतनी गर्मी मामा थोड़ी है। अभी बस हम शामी फ्राई कर लें जरा। फुल टाइम हैवी सेटअप है भाई, चने की दाल को शामी कबाब, चटनी है, थोड़ा बहुत शोरबा है, और अभी आपके भाई का पेट है, और सामने जो है ना कोई व्लॉग है, सामने अली भाई का व्लॉग है, अली हमजा बलोच का। भाई क्या व्लॉगिंग करते हैं, कमाल। अभी उनका व्लॉग देखते हैं, इंग्लैंड का आजकल व्लॉग आ रहा है, खाना खाते हैं साथ में। होता है ना दगाबाज फ्रॉड, मुझे दाल चावल खिला के तो खुद आपने छब्बा खाना है, KFC खाना है क्या? तो भाई मैंने तो नहीं खाया ना, मैंने तो जो है वैसे ही खाना खा के आना तुम्हारी को समझ आ। मैंने मामा, मैं मासूम जान आदमी हूँ, मैंने क्या ऐसा खाना है? हाँ क्या कह रहे हो, मैं गाड़ी नहीं चलाता। हाँ ले आओ, आगे ही ले आओ, फिर हम यहाँ से बैठ जाते हैं। और दोस्त और सुनाए कैसी हैं आप? हाँ आपने क्रंच खाना है या चिकन पीसेस खाने, क्या खाना है? फ्राइज खाना, बस KFC से फ्राइज लेने? मामा ऐसी बातें ना किया करे, तो वो फ्राइज कहीं से भी मिल जाएंगे, इससे बेहतर तो खान के चिप्स नहीं मिल जाते? वो जनाब साहब गाड़ी लाएंगे आगे तो फिर है। आ जाओ उतार लो यार। अभी हम जा रहे हैं भाई KFC के बाद हमने जाना है CP। हमें CP का चिकन बहुत अच्छा आजकल लगा हुआ है, जब हम उसको खा के अक जाएंगे ना फिर हमने कहना नहीं। अब इनका टेस्ट चेंज हो गया यार। जुम्मा पढ़ने गए थे आप और बाबा? यस वाओ, दोनों गए हुए थे आज तो बाबा ने मुझे कहा कि प्यार हो। चलो तो क्योंकि बाबा यहाँ पे होते नहीं है आज, जो है हमारा ड्राइवर है मुश्तबा। चलो साहब को अच्छी तरह जो है लेके जाना, कोई बीच में जो है ना बदतमीजी ना करना, मतलब तनख्वाह नहीं मिल रही, कम चढ़ गया हुआ है इस महीने का अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी तो मैंने अपनी तनख्वाह में से तुम्हें टिप दी है, नहीं दी खाओ कसम, नहीं दी दिए है ना पैसे। मेरा भी पुराना खाता आज क्लियर हो गया, हफ्ते हो गए इस बात पुराना खाता हफ्ता। भाई बात ये है कि मामा ने मुझे कहा था कि वो निकालो ना निकालो, मामा इतना बड़ा जो है ना स्कैम 1992 क्या होगा जो मामा स्कैम है। बस अभी हम मुश्तबा के साथ जो है और मामा के साथ अभी बकवास करने लगे हुए, तंग करने लगे हुए, और तो कोई काम नहीं क्या? हमने तो कहा भी नहीं था कि चले। अच्छा तो फिर मेरे नंबर पे कॉल क्यों की थी? मेरा ब्लॉग बन जाएगा, चल पड़ो मेरे से। अच्छा सही 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 सही, ठीक हो गया। फिर अभी हम जरा काम कर लें, आप लोगों को मिलते हैं। भाई ये वो दोस्त है जिसने मेरे साथ दगाबाजी की, खुद ड्यू बॉक्स थोड़ा सा तो दे दे दोस्त, ये देखो थोड़ा सा ब्लॉग बनाने दे बाबा हमें। वहाँ पे भाई हम ले आए थे CP, और यहाँ पे जो है ना दोस्त हमारा KFC खा रहा है, और अब्बा बैठ के हमारा कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो हमें कोई परवाह ही नहीं। आगे से कहते हैं मुझे ड्रामा तो देखने दो भाई। तो वो जो है जब हमारे घर में कोई सीन चल रहा होता है ना, तो मैं भी जो है ना मूवी या सीजन देख तो चुप करके अपने रूम में जाके, ना शोर ना कुछ। तो जब भी ये लाउंज पे बैठ के कोई मूवी देख रहे हो ना, तो मैं अगर व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ तो आगे से मेरी बिस्ती हो जाती है, चुप करके वहाँ चला जा, इधर निकल जा, वो कर ले। अभी ये तो खाना खा रहे थे, मैंने तो आके खा लिया था भूख क्योंकि लगी हुई थी, अब सुबह खाऊंगा आराम से, अभी तो कोई मूड नहीं है। खैर फिर शायद मैं व्लॉग को भी एंड कर दूँ अभी।